एवरीवन, मैं हुडुतो मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा ही फोप्ले के बारे में बात करती हूँ। बहुत लोगों ने आज भी मुझे पूछा है कि मैम ये फोप्ले है क्या, किस चिड़िया का नाम है। मैं मैक्सिमम वीडियोस में ही बताती हूँ फोप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताती भी ही हूँ कि फोप्ले पे क्या होता है, तो चलिए एलिब्रेटली मैं बताती हूँ इस वीडियो में कि फोप्ले है क्या। देखिए, जो फिजिकल रिलेशन होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन इज इंटरकोर्स एंड नंबर टू इज आउटर कोर्स। इंटरकोर्स जो होता है वो इंसर्शन को कहा जाता है, यानी कि अंदर डालने को कहा जाता है। तो आउटर कोर्स है क्या? आउटर कोर्स वही होता है जिसका हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, और वही है फोप्ले, खास तौर से फीमेल्स के अराउजल के लिए, उसके डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए फोप्ले बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पता है इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ। खास तौर से आज भी उन कपल्स के लिए ये बहुत ही अननोन फैक्टर्स हैं जिनके लिए इंटीमेट रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज प्रोसेस है, बच्चा पैदा करने का। दोनों एक दूसरे को मशीन मानते हैं और ये बस एक जरिया है। रिसर्चर्स ये बताते हैं, इवन डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट भी ये बताते हैं कि मेल और फीमेल इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, एक एहसास होना ज़रूरी है, एक फीलिंग होना ज़रूरी है, वरना फीमेल्स जो है वो धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट को खोने लगती है। इसीलिए शादी के कई सालों बाद, खासतौर से बच्चा पैदा होने के बाद, औरतें पता है ना, नहीं, नो, आज नहीं, मूड नहीं है, ऐसी बातें हमेशा आपको कहती रहती है। आप एक चीज़ सोचो, आप इस वीडियो के दौरान ही सोचो कि जब आपका डिस्चार्ज होता है तब आपको कैसा फील होता है। होता है ना कि आप बिल्कुल हेवन में पहुंच चुके हो, होता है ना ऐसा फीलिंग्स कि इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, होता है ना ऐसा फीलिंग्स कि बस बार बार इसको अचीव करो, बार बार इसको ये मुझे मिलता रहे, ऐसा फीलिंग होता है ना। और इस फीलिंग की वजह से ही हर रोज़ आपका मन करता है कि आप अपनी वाइफ के कंधे के ऊपर चढ़ जाओ। पर ये मान लो कि आप चढ़ते तो हो बट आपको वो फीलिंग कभी नहीं मिलता, तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। आप करते जा रहे हो पर वो अचीवमेंट जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए आप तरस रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा, आपको कैसा लगेगा? धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट खो जाएगा भाई, आपको भी लगेगा कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता, तो मैं क्यों करूँ। यही चीज़ें फीमेल के साथ होती है। औरतों की साइकोलॉजी भी यही होती है कि फीमेल को अगर आप ठीक से अराउज नहीं करते, उसको ठीक से उत्तेजित नहीं करते, उसके शरीर में, उसके बदन में अगर वो उत्तेजना पैदा नहीं करते, तो उस फीमेल को भी उस चीज़ से फिर इंटरेस्ट गुम हो जाता है। बहुत सारी फीमेल तो इसको बस एक ड्यूटी मानती है, जब उसका मन किया उसने ड्यूटी निभा ली, जब मन किया वो आपको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अल्टीमेट उस फीमेल को तो कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इवन रिसेंटली मुझे किसी ने मेल किया है कि मैं करूँ क्या, फोप्ले करते करते मेरा बच्चा उठ जाता है। बहुत लोग करते हैं कि मैं करूँ क्या, फोप्ले करते करते मेरा डिस्चार्ज ही हो जाता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैम स्टैमिना नहीं बचता, थकान बहुत आ जाती है, दिन भर काम करता हूँ थक जाता हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरा इरेक्शन ख़राब हो जाता है अगर मैं फोप्ले पे कॉन्सनट्रेट करता हूँ। तो आप लोग अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते, बस फोप्ले को स्किप कर देते हो, जो आपके फीमेल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको इरेक्शन प्रॉब्लम है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से मालिश करो, मसाज करो, लौंग का तेल और नारियल के तेल से अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छे से मालिश करो, धीरे धीरे आपका इरेक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा। पीई की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो उसके लिए भी लौंग ऑयल और नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। इससे ये जो मसाज होती है इससे आपका कंट्रोल आता है और आपका डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुक जाता है। अगर आपका बच्चा उठ जाता है तो अपना टाइम का शेड्यूल ठीक करो, अपने टाइम को मैनेज करो जिस टाइम पे आप फुर्सत से कर सकते हो। पावर स्टेमिना की दिक्कत है तो इन दैट केस आप बादाम, खजूर, कोको पाउडर, आप अनार, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करो। मांस मछली, अंडा, ये सब अगर आप नहीं खाते तो दूध, दही, इन सारी चीज़ों पे अपने आप को स्विच करो। ये नेचुरल तरीके से आपके स्टेमिना को बढ़ाता है। और अगर आप चाहो तो आप ट्रिवाग्रा का इस्तेमाल ज़रूर करो, ये इंस्टेंट वेदा के तरफ से है और ये शिलाजीत और सफ़ेद मूसली से बनाए गए हैं। शिलाजीत और सफ़ेद मूसली के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, नंबर वन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है। साथ ही साथ ये आपके अंदर वाइटिलिटी, आपके विगोर, आपके स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। सफ़ेद मूसली के तो 85 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं जो नेचुरली आपके
आपके अंदर हार्मोनल जो इम्बैलेंस भी हो उसको ठीक करता है, अदरवाइज आपके अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। सफेद मौसमी वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपको स्ट्रेंथ स्टेमिना की प्रॉब्लम है और अगर आप नेचुरल बेस पे आप इंक्रीज करना चाहते हो। ये ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है, 100% वेगन है, GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड है और क्रुएल्टी फ्री है और 100% वेज है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इस कंपोनेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे कि केसर, शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, वादा गोखरू, बाला, कपिकच्चू, स्वंग भांग भसम, लौ भसम और शिलाजीत तो हम जानते ही हैं। ये जो भांग भसम और स्वर्ण भसम होता है ना, ये दो तरीके के भसम जो होते हैं ये बहुत अच्छा होता है स्टैमिना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट नहीं करता, उल्टा आपकी जो नेचुरल फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। फीमेल पार्टनर को वो सुख दो ताकि वो इसको ड्यूटी ना माने। फीमेल पार्टनर का शुरू से ही अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करोगे, अगर उसको भी वो तरफ जो है जो चीज आपको मिल रही है वो चीज भी अगर फीमेल पार्टनर को भी मिले तो फीमेल पार्टनर आपसे भागेगी नहीं, उल्टा आपके पास आएगी। देखिए बहुत लोग अभी भी इससे दूर है, ये जो ओरल परफॉर्मेंस होती है, स्टिमुलेशन होता है, क्लेट क्या होता है, इन सारी चीजें कैसे दिया जाता है स्टिमुलेशन, इन सारी चीजों पे आसपास भी नहीं आते। उनका ये थॉट होता है कि सब इंसर्ट करना ही फीमेल पार्टनर को संतुष्टि देने के लिए काफी होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने कला होता है, वैसे तो जानवर भी इस चीज़ को करते हैं पर हम तो इंसान हैं और हम अलग अलग तरीके से अपने पार्टनर को प्लेजर देते हुए इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि हम बच्चा पैदा करने के मशीन नहीं हैं। ये जो कला है ये भगवान ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम अपनी बॉडी डिज़ायर को फुलफिल कर सके और अपने साथ अपने पार्टनर के बॉन्डिंग को भी मेंटेन कर सके। क्योंकि जब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे लाइक ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये हमें खुश रखता है, अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग को बढ़ाता है, प्यार को बढ़ाता है, प्यास को बढ़ाता है, हमारी जो नींद होती है, हमारी जो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, हर चीज़ में काम करता है। तो फीमेल पार्टनर को अगर ये संतुष्टि ही नहीं मिलती तो डेफिनेटली वो आपके साथ वो बॉन्डिंग को फील नहीं कर पाती, डेफिनेटली वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है और इसका असर आपके बेड पे, आपके बाहर हर वक्त ये झगड़ा मूड इन सारी चीज़ों पर पड़ता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।